ये कहते हैं कि हम जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे हम चाइना मशीन के बारे में, उसके फ्रंट बेड की साफ़ सफाई, और आप लोगों को बताएंगे कि हम कैसे आप नंबर जैक को दोबारा साफ़ करके सबमिट कर सकते हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार और मेरे सभी दोस्त। हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख चुके होंगे कि बेड को हमने खाली कर लिया और उसके सारे नंबर जैक, स्लाइडर और सुई और प्रेशर जैक निकाल लिए हैं और साफ़ सफाई कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि हम आप लोगों को ये भी बताए थे कि आपको फ्रंट बेड की साफ़ सफाई करने के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं, एक कचड़ा जो होता है ना, ये बहुत ही मतलब साफ़ सफाई करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भी ध्यान देते हैं कि सुई टूटने से बचती है, स्लाइडर भी टूटने से बचते हैं, इनके जो भी पार्ट्स होते हैं काफ़ी ख़राब नहीं होते हैं और बहुत दिन तक साफ़ सफाई करने से बहुत दिनों तक ये पार्ट चलते रहते हैं और ना ही कोई किसी चीज़ की परेशानी होती है और ना ही किसी चीज़ का कोई। और दोस्तों बेड को साफ़ कर लिए हैं, फिर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो बेड के सबसे निचले हिस्से में थोड़ा बहुत, हाँ ये देखिए दोस्तों, जो कि कचड़ा रह गया है, इसको भी हम साफ़ सफाई करके एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसकी साफ़ सफाई करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कचड़ा भी है और इसके बाद आगे दूसरे वाले भाग में भी आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर तेल और कचड़ा दोनों रह गया है, इसको भी एक को हम साफ़ कर लेंगे और ये तेल भी साफ़ कर लेंगे, इसके बारे में आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए जी, निचला हिस्सा है जी वो बेड का, जिसपे स्प्रिंग जैक और अपने नंबर जैक होते हैं। तो हम इसमें आपको दिखा दें कि तेल से इसकी सफाई कर रहे हैं और इसके बाद हमने क्या करना है, इस पर एयर प्रेशर यानी हवा मार के साफ़ कर लेने, और अच्छी तरह से सफाई होने के बाद यह पूरा बेड साफ़ हो जाता है। और इसके बाद हम आप लोगों को यह भी जानकारी देंगे कि इसको कैसे हम सफाई करने के बाद दोबारा से हम हवा मारते हैं, हवा मार के बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं, बिल्कुल साफ़ रहता है, उसमें कोई खो नहीं रहती है, इस करके कि वो साफ़, जितना ही साफ़ रहेगा समझिए कि आप लोगों के लिए उतना ही मतलब आसानी रहेगी और मशीन भी उतना ही बढ़िया से काम करेगी और ना ही कोई पल्ले में मरम्मत आएगी, ना ही कोई पीस आपकी ख़राब होगी और बहुत बढ़िया से मशीन भी चलेगी, कोई पार्ट्स। हाँ दोस्तों, हमने हवा तो मार लिया, हवा मार के अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रेशर जैक के नीचे जो अपना स्प्रिंग जैक या प्रेशर जैक के नीचे जो अपने नंबर जैक होते हैं, इसको हम कैसे मेंशन करें। तो दोस्तों आप लोगों को दिखा रहे हैं, मेंशन करके हम मेंशन कर लेते हैं, और इसके 8 नंबर होते हैं, ये 8 का पैकेट बनता है। 8 के पैकेट बनाने के बाद दोस्तों हम इसको नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेते हैं। या तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा खराब ये नंबर बनाने, इसको हम हटा देंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पैकेट ले लेते हैं, इसका देखते हैं नंबर बना हुआ है, देखिए नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और इसको दोस्तों हम क्या करेंगे कि जैसे हम फर्स्ट पैकेट को मेंशन किए, उसी तरह हम दूसरे पैकेट को भी मेंशन करेंगे, और इसके बाद इसी तरह हम सारे पैकेटों को मेंशन करते रहेंगे दोस्तों। ये तो थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आगे हम तीसरा पैकेट भी मेंशन आप लोगों को करके दिखा देते हैं। इसके बाद हम जो आप लोगों को दिखाएंगे, जो कि पैकेट हमारा बना नहीं है, अब हमारा ये पैकेट बना नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि पैकेट बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बना नहीं है, अब इसको हम बना देते हैं। ये 2 नंबर था मतलब बीच में, और अब 1 नंबर हमारा, कोई 8 नंबर मानता है लेकिन 1 नंबर है। और इसको हम क्या करेंगे कि पहले अपनी सारी मतलब इन नंबरों को सेट कर लेते हैं। 8 पैकेट होता है, इस 8 नंबर जैक को सेट करते हैं, एक्सुलेटर जैक भी बोला जाता है इसको दोस्तों। तो इसको हम सेट करके देखिए, हम उसी तरह मेंशन करेंगे जिस तरह हमने पिछले सारे मेंशन किए हैं दोस्तों। इस तरह हम अपने जैक को लगाते हैं और लगाने के बाद प्रॉपर दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारा मतलब उसमें सही ढंग से लगा है या नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो पत्ती की सहायता से हम इसको आराम आराम से बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद हम इसको अपना क्लियर एक बार चेक कर लेते हैं, किसी कचड़ा की वजह हो सकती है जो बैठने ना दे, इस करके हम चेक कर लेते हैं। और ओके है, हमारा ये ओके हो गया। अब हम
आगे बढ़ते हैं अपने। जो मेरे भाई ये साफ़ सफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, पर आप लोग हमें कमेंट करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक भी करिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताते हैं कि जब हम अपना ये सारा कुछ एप कर लेंगे तो इसके बाद हमें पत्ती लगानी होती है, तो पत्ती लगा के हम आप लोगों को दिखा देते हैं, पत्ती लगा के चेक कर लेते हैं और दिखा भी देते हैं। और पत्ती लगाने से भी होता है कि ये हमारा जब कैरेज चलेगा तो ये निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो इसे टूटता भी नहीं है, और लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मशीनों में बहुत ज़्यादा केम वगैरह जाके वहाँ एक्सुलेटर पिन जाके ये टूट के ख़राब कर देता है दोस्तों, कई बार तो यह मशीन खड़ भी जाती है और बहुत सारे पार्ट्स को नुकसान कर देती है। इस करके हम बहुत ही आराम से और बहुत ही तसल्ली से काम करते हैं और देखते हैं काम हमारा सही है कि नहीं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, जिन लोगों को ये वीडियो नहीं समझ में आई दोस्तों, हम उन लोगों को बाकी आगे भी इसी पर काम करके और बता के उनको वीडियो ज़रूर हम अपने इस चैनल पे डाल देंगे, और हमें आई होप विश्वास है कि ये वीडियो सबको समझ में आ गई होगी। दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो लोग नए हैं, और लाइक करना, सपोर्ट करना दोस्तों। जय हिंद।